गुरुदेव के चरणों में साधन नमन गुरुदेव हम सभी ये मानते हैं कि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है हमारे आचार विचार व्यवहार सोचने की पद्धति और खान पान सब में हम हमारी एक वैज्ञानिक सोच रही है और उसी सोच के हिसाब से हमारे खान पान की प्रवृत्ति हम लोग अपनाते हैं एक जापानी साइंटिस्ट है जिसने ऑटोफेजी के नाम से वो बताया और उसने नोबल प्राइज़ ले ली और उसने क्या कहा कि दस बजे से छः बजे के बीच में खाना खाओ इंटरमीडियंट फास्टिंग करो तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी हो जाएगी और आप स्वस्थ रहोगे लेकिन हम जैन लोग जो इस हजारों साल से हमारे आचार्य हमारे गुरु हमारे भगवंत कहते आ रहे हैं और हम जानते भी हैं लेकिन हमारी चर्या जैनियों की उसके कई जैन भाइयों की उसके विपरीत हो रही है तो ऐसा क्या करें कि हम तो खुद स्वस्थ होने के हमारे को शिक्षा मिल रही है शुरू से हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों से और हम उसको छोड़ते जा रहे हैं और उसको हम हम खुद बीमार होते जा रहे हैं स्वस्थ बहुत 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 अच्छी बात है विवेकानंद जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि आज के लोग है ना विज्ञान 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 की रट मारते हैं हम विज्ञान को मानते हैं हम विज्ञान को मानते हैं विज्ञान को मानते हैं तो किसी ने कहा भाई देखो सूरज उगाया देखो सूरज उगाया है तो उसने कहा नहीं मैं विज्ञान को मानने वाला हूँ पहले पेपर में देखूंगा फिर कहूँगा सूरज उगाए कि नहीं अगर पेपर में छपा है तो मानूंगा नहीं तो नहीं मानूंगा यही हाल आज के तथाकथित विज्ञान पर आस्था रखने वाले बुद्धिजीवियों का हो गया जब उधर से घूम के बात आती है हाँ ऑटोफिजिक का सिद्धांत बहुत अच्छा है इंटरमीडिएट मील लेने का बहुत अच्छा है आठ घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए अरे हमारे शास्त्र तो सदियों से बात बोल रहे हैं हमारे तो पुरखे चीख चीख कर ये बता गए परंपरा पर विश्वास कीजिए आधुनिकता को अपनाइए पर अंधानुकरण करने से बचिए निष्ठा होनी चाहिए और जो इन पर निष्ठा रखते हैं आज भी उनका जीवन बहुत सदा व व्यवस्थित है अब हम लोगों को सहारा लेना पड़ता अपनी बात की पुष्टि के लिए कहनी पड़ती है विज्ञान भी इसे मानता है अरे विज्ञान ने तो आज अकल ठीक लगी तो मुहर लगा दी क्या पेड़ पौधों में जान नहीं थी जगदीश चंद उसके पहले थी ना तो हमारा अज्ञान है ये हमारी भूल है ये भ्रांति है इसको दूर करना चाहिए और प्रबुद्ध लोगों को हमेशा अपनी जो मौलिक बातें हैं परंपरागत उसे अपनाना चाहिए खुद पर प्रयोग करना चाहिए जी महाराज एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि अभी एक भाई ने प्रश्न पूछा था मैं कौन हूँ तो आपकी एक किताब मैंने पढ़ी थी मैं कौन हूँ उसमें इतना इसका विस्तृत विवरण दिया गया था कि आदमी को फिर पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ मैं आपको बताऊँ एक ए डी एन वाजपेयी रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति अभी अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं पहले कुलपति थे वो हमारे संपर्क में थे वो जैन नहीं पर उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया बावन दिन तक मौन रहकर के अभ्यास किया और जैन साधना की उपयोगिता का एहसास किया और हमारी मंच से उन्होंने एक बात कही थी कि अगले जन्म में अगर मुझे जन्म मिले तो मैं जैन होना चाहूंगा तो आप भी इस चीज को देख सकते हैं अपना सकते हैं जैनियों को इस पर समझना चाहिए